का रिकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो भी कोर्स है 3 दिन का, ये पूरा कोर्स हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है। सो अगर इन बिटवीन दिस कोर्स इफ यू आर गेटिंग एनी चैलेंजेस, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, जो आपका ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, वो ग्रुप भी आपका परमानेंट रहने वाला है। सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी आफ्टर दिस कोर्स ऑल्सो, देन यू कैन आस्क इन दैट ग्रुप, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप। सो ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते, ओके, एंड वील गो अहेड विथ टूडेज सेशन, वील गो अहेड विथ टूडेज अजेंडा। ओके, आई होप माई वॉइस इज क्लियर एवरीवन। सो दिस प्रोग्राम इज फॉर 2 आवर्स एवरी डे, ओके, 4 से लेकर 6 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा एवरी डे नेक्स्ट 3 डेज, आज कल और परसों सैटरडे तक, ओके। सो इस प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम यूट्यूब के बारे में सीखने वाले हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, उसके बाद में मार्केटिंग, गूगल बिजनेस, ये सारी चीजें हम इस 3 दिन में सीखने वाले हैं। मैं 101% आपको एक एश्योरिटी देना चाहूंगा, एक गारंटी देना चाहूंगा, वॉट एवर अमाउंट यू हैव पेड, वॉट एवर अमाउंट, ओके, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो भी अमाउंट। हेलो, यस सर, वीडियो नहीं दिख रहा है सर। वीडियो दिख नहीं रहा है सुनील जी? दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। सुनील जी आपका नेटवर्क वहां पे अप डाउन है, ठीक है ना? ओके, सो व्हाट एवर अमाउंट यू हैव पेड फॉर दिस प्रोग्राम, एक मिनट अपन ये सुनील जी, सुनील जी आवाज आ रहा है आपको? आपका नेटवर्क का इश्यू है, दैट इज द रीजन आपको वीडियो नहीं दिख रहा है, ओके, तो थोड़ा आप नेटवर्क में बैठिए तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। दिख रहा है? हाँ, ओके, मैं वीडियो एक बार बंद करके फिर से ऑन करता हूँ, आप देखिए एक बार, ठीक है, दिख रहा है अभी? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो जो भी अमाउंट आपने पे किया है, या हमेशा ही हमारे जो भी प्रोग्राम रहते हैं, हमारा कोशिश ये रहता है कि वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग, हम उसका 10x वैल्यू आपको रिफंड करें, ठीक है। आपने इस प्रोग्राम के लिए जो भी अमाउंट पे किया है, 101% आफ्टर 3 डेज यू विल फील कि उससे 10 गुना ज्यादा हमें चीजें मिली है, सीखने को मिला है, ओके। सो नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक दिन को टाइम पे ज्वाइन करें, जो भी आपको सिखाया गया है उसकी प्रैक्टिस करें, एंड वन मोर थिंग कि आपको जो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे ग्रुप में, उस रिकॉर्डिंग को आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो उन रिकॉर्डिंग को आप देखें, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने साथ आपको वो प्रैक्टिकल्स करवाओ, ठीक है, आज तो नहीं लेकिन कल से हम वो प्रैक्टिकल्स करेंगे, कल और परसों 2 दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मेरे साथ आप करें, ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द डे विथ हाई एनर्जी एवरीवन, आई होप एवरीवन इज रेडी, यस नो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, एवरीवन इज रेडी, यस गुड गुड गुड, ओके। सो देर आर सो मेनी पीपल, 12-13 पीपल, बट अभी देखते हैं, वो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। So let's begin the day. Just a second. You have any question, any doubts, you can put a message in the chat box. Okay, everyone select karna hai aapko wahan pe, and you can put a message. So just a minute. So everyone, welcome to this 3 days training program, which is a live training program, Kickstart Your Online Business. Okay, so in this program, now I am going to share with you कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कैसे कैसे सीखने वाले हैं. Okay, so each and everything I am going to reveal in front of you. Okay, so first step, first
जैसे कि मैंने आपको कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट बिल्डिंग। ओके, जो भी काम आप करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो या फिर जो भी काम आप करना चाहते हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंडसेट को बिल्ड करना। जब तक आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं है किसी चीज के लिए, जब तक आप अपने माइंडसेट से रेडी नहीं हो किसी चीज के लिए, तब तक आप वो चीज को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। फर्स्ट लेसन इज माइंडसेट बिल्डिंग। इसमें एक छोटा सा सेंटेंस है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। What we are, what we think we are। हम वही है जो हम सोचते हैं कि हम है, ठीक है, हम वही है जो हम सोचते हैं कि हम, ठीक है। सो आज तक जो भी आप लाइफ जी रहे हो, ये सारी जो है आपके, जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने खुद को समझा था, उसका रिजल्ट आप जी रहे हो। और इसके बाद जो लाइफ आप जीने वाले हो, आज से आगे जो आप सोचोगे, आज से आगे जैसे आप खुद को समझोगे, वो रिजल्ट आप देखने वाले हैं। ओके, सो व्हाई आई एम शेयरिंग, एवरी टाइम आई एम शेयरिंग माइंडसेट टॉपिक इन माय एवरी लेक्चर, इन एवरी सेशन, इन एवरी यू नो ऑनलाइन वर्कशॉप। व्हाई? बिकॉज मैं जानता हूं कि इसी से सारी चीजों की शुरुआत है। ओके, जब तक आप ये मानते नहीं अपने जहन में, जब तक आप ये मानते नहीं कि मैं ये कर सकता हूं, तब तक आप वो करते नहीं है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि कोई भी चीज जो आप लाइफ में करते हो, वो आप दो बार करते हो, फर्स्ट इन योर माइंड एंड सेकंड इन रियलिटी। ओके, जब तक आपके माइंड में वो चीज होती नहीं, जब तक आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करता नहीं, तब तक वो चीज आप रियलिटी में ला ही नहीं सकते। ओके, सो वी आर व्हाट व्हाट वी थिंक वी आर। हम वही है जो हम सोच रहे हैं कि हम है। नाउ माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाई यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम? आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया? आपको चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताना है कि व्हाई यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। कुछ तो एक कारण होगा, कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो वो क्या कारण है, टाइप इन चैट बॉक्स। सो मुझे समझे कि आपका क्या मोटो है, सो दैट मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊं, ठीक है। टाइप योर मोटो इन चैट बॉक्स की आपने ये सेशन क्यों ज्वाइन किया, क्या लगता है आपको, किस लिए आपने ये ज्वाइन किया, टाइप दैट आंसर इन चैट बॉक्स। सर मेरा ये रीजन है, मैंने इसके वजह से ज्वाइन किया बाबा, जो भी है। ओके, टाइप इन चैट बॉक्स। कुछ सवाल मैं आपसे ऑब्वियसली पूछने वाला हूं, इसलिए बिकॉज मुझे भी क्लैरिटी चाहिए कि आप इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन किया है और मैं आपको कैसे गाइड करूं। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स एवरीवन, इज माय वॉइस क्लियर? What is your motto? What the outcome you want from this program? क्या आउटकम चाहिए, क्या चाहिए आपको, किस लिए ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है? ओके, somebody will say कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, somebody will say कि नॉलेज, यस जैसे मनोज जी ने लिखा है, एक्सपांड और नॉलेज, नॉलेज को इम्प्रूव करना है। ओके, एनीथिंग एल्स? जिग्ना जी, वैशाली जी, क्यों ज्वाइन किया आपने ये प्रोग्राम, वाई यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम? To expand my network marketing business, okay? मेरा marketing business जो है उनका network marketing का, उसे बढ़ाना है, okay? Anything else? Please type in chat box because I want answer from all of you. Because आपके answer जितने मेरे पास clear रहेंगे, उतना ही मुझे easy रहेगा आपको guide करने के लिए, okay? ओके, सो फ्यू पीपल आर saying कि बस हमें नॉलेज बढ़ाना है इसलिए हमने ज्वाइन किया, फ्यू पीपल आर saying कि हमें मार्केटिंग जो है, अपना बिजनेस को जो है वो एक्सपांड करना है इसलिए हमने ज्वाइन किया। ओके, सो नाउ मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि व्हाट बिजनेस यू आर इन, आप कौन से बिजनेस में अभी हो, क्या बिजनेस आप कर रहे हो या कौन से बिजनेस में आप हो? बिकॉज ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो आई वॉन्ट टू नो यूर बिजनेस, व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग राइट नाउ, क्या बिजनेस कर रहे हो या क्या बिजनेस करने का आप सोच रहे हो, राइट? इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, और इफ यू आर प्लानिंग टू डू एनी बिजनेस यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, ठीक है। जैसे वैशाली मैडम का तो है कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके, मनोज सर, आई होप मेरे आइडिया के हिसाब से आप ट्रेनिंग बिजनेस को कर रहे हैं, राइट? ओके, या सो प्रिंटर एंड रिपेयरिंग का बिजनेस आप कर रहे हो,
उसे आपको बढ़ाना है, राइट। वैशाली मैडम से मेडिको मोदी केयर, ओके, मोदी केयर का एक कंपनी है, उसके साथ वो काम करे, गुड, ओके। सो नाउ आई हैव क्लैरिटी कि आप क्या कर रहे हो, आपको किस चीज की जरूरत है। नाउ आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। सो अबाउट दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में चार चीजें मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप बाय स्टेप गाइडिंग मेथड, ये 3 दिनों के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी बिजनेस में, कोई भी आप अगर प्लानिंग कर रहे हो बिजनेस का तो उसमें आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है डिजिटली, ओके, या फिर ऑनलाइन आप उसे कह सकते हैं। इजी वे टू एक्सप्लेन, हम एकदम इजी में, जैसे कि आपको जो लैंग्वेज समझे उस लैंग्वेज में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज बताएंगे कि जिसमें बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ आप ये प्रोग्राम सीखने वाले हो नेक्स्ट 3 डेज, ओके। जो भी हम आपको बोलेंगे वो आपको करके देखना है, उसका प्रैक्टिस करना है, और वो सारी चीजें 3 दिनों तक मैं आपका फॉलोअप करूंगा, ओके। सो नाउ What is the major issue you are facing right now? क्या लगता है आपको? आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपको हासिल करना है या फिर जो भी करना चाहते हो, What is the major issue you are facing right now? आपके पास इसका आंसर है कि क्या मेजर इशू है जो आप फेस कर रहे हो अभी राइट नाउ, वॉट इज द मेजर इशू यू आर फेसिंग? कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, मुझे सेल्स का प्रॉब्लम है, राइट, मुझे नहीं पता हाउ टू मार्केट माई सेल्फ, मुझे नहीं पता मेरे प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करूं, मुझे नहीं पता कि मेरे प्रोडक्ट को कैसे सेल करूं, कितना ज्यादा सेल, मैं ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे कर सकता हूं? व्हाट इज द मेजर इशू यू आर फेसिंग राइट नाउ? वन इशू, यू हैव टू टाइप वन इशू, ओके। बी एक्टिव इन चैट बॉक्स सो दैट आई विल इंटरेक्ट मोर विथ यू, ओके। वन इशू आपको टाइप करना है, वन इशू, टाइप वन इशू इन चैट बॉक्स कि ये इशू है कि मैं फेस कर रहा हूं, राइट। Is my voice video clear, guys? Yes, no? Okay. So type your answer in chat box कि क्या एक issue है जो आप face कर रहे हो आपके business में, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक issue है कि मैं face कर रहा हूँ बाबा, okay? What is the one issue you are facing? कौन सा ऐसा एक problem है जो आप face कर रहे हो? Marketing का problem है, sales का problem है, leads का problem है, advertising का problem है, क्या प्रॉब्लम है? ओके, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? टाइप इन द चैट बॉक्स, एवरीवन बी एक्टिव एंड टाइप फास्ट सो दैट वी कैन मूव अहेड, ओके। वैशाली जी कह रही है मार्केटिंग, ओके, मार्केटिंग इज द मेजर इश्यू फॉर हर, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सो एडवर्टाइजिंग, सुनील कुमार जी, गुड, सुनील कुमार जी, व्हाट यू आर डूइंग? सुनील कुमार जी, आपका जो बिजनेस क्या है वो टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, क्या बिजनेस करते हो आप, ओके। सिलेबस वीडियो बनाना और ऑडियंस, ऑडियंस का प्रॉब्लम है और वीडियो सिलेबस नहीं बना पा रहे हैं कोचिंग के लिए, ओके, नो प्रॉब्लम। सुनील कुमार जी, आप क्या बिजनेस करते हो? टाइप इन चैट बॉक्स, ओके, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके गाइस। सो आपने बताया कि आपको क्या मेजर इशू है एक कि जिसको आप फेस कर रहे हो। नाउ I will tell you, this all 3 days program is depend or it is based on digital marketing. It is based on online, you know, business. Okay, कि आप online कैसे business को बढ़ाएंगे, online कैसे आगे बढ़ेंगे. So सबसे important चीज है, अगर business कोई भी करना चाहते हो online, so सबसे important चीज है videos. Okay. Why videos? Now we will understand why videos. Network marketing करते हैं सुनील जी, good. Okay. So videos क्यों बनाने चाहिए? Videos का क्या importance है? ये हम थोड़ा समझेंगे. Then हम समझेंगे customer का क्या, you know, psychology होता है, वो हम समझेंगे. और आज video कैसे बनाते हैं हम? कैसे बनाने चाहिए हमने video? वो सारी चीजें हम इस आज के session में समझने वाले. ठीक है? So now let's begin the day. Why videos are important? सबसे पहली important चीज, why videos are important? So first, there are several reason, okay? Video versus image and engagement versus and content. आप कोई भी video बना रहे हो, कोई भी image डाल रहे हो, image और video में क्या difference है ये पहले समझ लो, okay? As per the loco wise,
लोकोवाइज एक ऐसी वेबसाइट है जो सोशल मीडिया का स्टडी करती है और उसमें वो बताती है आपको कि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा किस प्रकार से कंटेंट चलता है। ओके, सो लोकोवाइज के हिसाब से 5.49% जो एंगेजमेंट रेट है वो वीडियो को आता है आउट ऑफ 100, ठीक है। और वही एंगेजमेंट रेट अगर हम इमेज का देखेंगे तो वो है 4.67%, यानी इमेज का जो एंगेजमेंट रेट है वो कम है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज एंगेजमेंट रेट। अगर आप कोई भी एक वीडियो या कोई भी एक इमेज आपके सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, सो इमेज को जो रिस्पॉन्स है वो 4% आएगा, लेकिन वही रिस्पॉन्स अगर वीडियो आप डाल रहे हो तो उसको 5% से ज्यादा आएगा। ओके, नाउ हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर है कि अगर हम वीडियो के स्वरूप में अगर कुछ डालेंगे रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट, रिगार्डिंग अवर सर्विसेस, रिगार्डिंग जो भी है आपके पास उसके रिगार्डिंग अगर वीडियो के स्वरूप में हम सोशल मीडिया पे डालेंगे तो उसमें ज्यादा एंगेजमेंट होंगी। एंगेजमेंट का मतलब क्या है, ज्यादा लोग उसे देखेंगे, ज्यादा लोग उसे देखना पसंद करते हैं एज पर द लोकोवाइज वेबसाइट। लोकोवाइज इट्स अ वेबसाइट विच स्टडी ऑल द सोशल मीडिया, ओके, वर्ल्ड वाइड जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको जो स्टडी करने वाली वेबसाइट है उसका नाम है लोकोवाइज। उसका ऐसा बोलना है कि अगर आप वीडियोस डालते हो अपने सोशल मीडिया पे सो इट विल गिव यू मोर एंगेजमेंट। नाउ कम टू द कंटेंट पार्ट, ओके, नाउ कम टू द कंटेंट पार्ट। व्हाट इज कंटेंट, जो भी काम जो भी बिजनेस आप कर रहे हो रिगार्डिंग दैट किस प्रकार का कंटेंट आप बना रहे हो, राइट। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अगर आप सेल्स में हो, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में हो, तो आप जो सिखाते हो या आप जो बेचते हो उसके बारे में कितना कंटेंट आप लोगों को दे रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी को देना चाहूंगा, आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में, ध्यान से सुनिएगा मुझे। दो दुकानदार है, ओके, अलग अलग दो अलग अलग शॉप्स है, ओके, दोनों के पास क्या मिलता है, कंप्यूटर मिलता है, ठीक है, दोनों के पास कंप्यूटर मिलता है, दो अलग अलग शॉप है, आपको कंप्यूटर खरीदना है, आपको क्या करना है, कंप्यूटर खरीदना है, ठीक है। सो आप पहले फर्स्ट नंबर की शॉप में गए, ओके, समझ लिए, एक ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को। आप एक नंबर के शॉप में पहले गए, उसको आपने बोला कि मुझे एक कंप्यूटर चाहिए और उसमें ऐसा 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 काम होना चाहिए, ओके। उसने क्या किया, उसने आपको अंदर लेके गया शॉप में और बताया कि देखो ये 10 कंप्यूटर है और ये 10 में से ये इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, और आप देखो कि आपको कौन सा लेना है, ओके। इतना उसने किया और आपको छोड़ दिया, ओके। फर्स्ट, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आप उस दुकान से बाहर निकल गए, आप दूसरे दुकान में गए, ओके, दूसरे दुकान में आप गए, दूसरे दुकान में भी आपको कंप्यूटर ही मिलते हैं। उस दुकान में आप गए, उसके पास गए, आपने उसको बोला कि मुझे एक कंप्यूटर खरीदना है और मेरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ऐसी 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 है, ठीक है, मुझे ये चाहिए। उसने आपको बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आइए। उसने भी आपको 10 कंप्यूटर बताए, उसने आपको 10 कंप्यूटर के प्राइजेस बताए और उसने हर एक कंप्यूटर के फीचर्स आपको बताए कि सर देखो ये अगर आप लोगे तो इसका आपको ये फायदा है, आपका काम अगर ये है तो आप एक काम कीजिए, ये कंप्यूटर लीजिए, ये कंप्यूटर लेने से आपका इतना पैसा बचेगा और इतना आपका फायदा होगा, ओके। उसने हर एक कंप्यूटर का बेनिफिट्स आपको बताए, हर एक कंप्यूटर के आपको फीचर्स बताए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आपको बताया, कैसे बेस्ट है वो भी आपको बताया। नाउ टेल मी, आप किस बंदे से कंप्यूटर खरीदना पसंद करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टाइप इन द चैट बॉक्स। आप किस बंदे से कंप्यूटर खरीदना पसंद करेंगे? मनोज जी कह रहे हैं टू, राइट, एनीबडी? दूसरे बंदे से आप खरीदना पसंद करेंगे, राइट, क्यों? वैशाली जी कह रहे हैं दूसरे बंदे से पसंद करेंगे। नाउ आई विल आस्क यू क्यू, व्हाई, व्हाई यू विल प्रीफर द सेकंड पर्सन? पहला भी कंप्यूटर बेच रहा है, दूसरा भी कंप्यूटर बेच रहा है, आप दूसरे से क्यों लेना पसंद करेंगे? एनी वन वर्ड आंसर, एक कोई भी एक वर्ड में आप बता सकते हो व्हाई यू विल प्रीफर सेकंड पर्सन?
दूसरे बंदे को आप क्यों पसंद करेंगे, द रीजन बिहाइंड दैट, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि आप दूसरे बंदे को सिलेक्ट करेंगे, टाइप इन द चैट बॉक्स, जो भी रीजन आपको ध्यान में आ रहा होगा टाइप इन द चैट बॉक्स। डिटेल इंफॉर्मेशन बोला है, ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। बेस्ट सेलिंग स्किल्स, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, सेलिंग स्किल के वजह से बोल सकते हो आप। एक मेजर चीज आपने मिस की है, वो मेजर चीज क्या है पता है, दूसरे बंदे ने आपको एजुकेट किया है, दूसरे बंदे ने क्या किया, आपको एजुकेट किया रिगार्डिंग प्रोडक्ट। देखो कंप्यूटर पहला वाला भी बेच रहा है, कंप्यूटर दूसरा वाला भी बेच रहा है, आपको कंप्यूटर पहले से भी लेना है, दूसरे से भी लेना है, आपको पैसे पहले वाले को भी देना है, दूसरे वाले को भी देना है, मगर दोनों में से फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले ने आपको कंप्यूटर दिखाए, प्राइसिंग बताई और छोड़ दिया, दूसरे वाले ने क्या किया, कंप्यूटर दिखाए, प्राइसिंग बताई और आपको भी पूछा कि सर आपकी जरूरत क्या है, और उसने आपको एजुकेट किया कि देखो आपकी जरूरत के हिसाब से आपको ये लेना ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज आपकी नीड ये है, उसने क्या किया आपको गाइड किया, एजुकेट किया, एंड दैट इज द रीजन यू प्रिफर द सेकंड वन। नाउ यही चीज हमें समझना जरूरी है अपने बिजनेस के बारे में, जो भी बिजनेस, जो भी काम आप कर रहे हो या करते हो, उसमें अगर आपको कस्टमर्स बढ़ाना है, लीड्स बढ़ाना है, उस बिजनेस को बढ़ाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आर यू एजुकेटिंग यूर कस्टमर एवरी सिंगल डे, आर यू एजुकेटिंग यूर कस्टमर। सो ये हमें समझना है कि हम अपने कस्टमर को एजुकेट कैसे करें, ओके हम अगर हमारे कस्टमर को एजुकेट अगर करना है तो ऑब्वियसली हम उनके घर पे जाके तो उनको एजुकेट नहीं कर सकते, राइट अगर हम हर एक बंदे के घर पे जा सकते हैं क्या, अच्छा या आज हम जिग्ना जी के घर चले गए, कल हम यू नो मनोज जी के घर चले गए, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। सो वी हैव अ बेस्ट मीडियम फॉर दैट, क्या है बेस्ट मीडियम, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा कंटेंट आप तैयार करेंगे, जितने ज्यादा वीडियोस आप बनाएंगे, जितने ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका कस्टमर एजुकेट होगा, और जब आपका कस्टमर एजुकेट होगा तो वो आपसे परचेस करना चाहेगा, यस और नो, वो आपसे परचेस करना चाहेगा ऑब्वियसली, वो आपसे डील करना चाहेगा, वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहेगा, राइट अभी मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी चीज में बताता हूं, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप जैसे और हजार लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट नाउ व्हाट इज द थिंग, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको और वो हजार लोगों को अलग करती है, आप में और वो हजार लोगों में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको और वो हजार लोगों को अलग करती है, वो ये है कि अगर आप अपना कंटेंट बनाएंगे ऑनलाइन, अगर आप अपना वीडियोस बनाएंगे, अपने कस्टमर को एजुकेट करेंगे, तो ये एक चीज ऐसी है कि जो वो हजार लोग नहीं कर रहे हैं, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप बोलेंगे, सबसे बड़ा नाम है आज के डेट में सोनू शर्मा, यू नो दैट पर्सन, राइट। सो सोनू शर्मा इतने बड़े क्यों हुए, द रीजन बिहाइंड दैट, उन्होंने वीडियोस का प्रयोग किया, उन्होंने अपने पास, उनके पास जो कंटेंट है वो कंटेंट डिलीवर किया किसी ना किसी रूप में सोशल मीडिया में, और आज वो इतने बड़े हैं, राइट। नाउ अंडरस्टैंड दिस चीज, इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपल एक चीज करना है कि जो भी हमारा कॉन्टेंट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसके बारे में एजुकेशनल वीडियोज हमें बनाने हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत है कि सर मेरा प्रोडक्ट ये है, उसके बारे में मैं एजुकेशनल वीडियोस कैसे बनाऊं, सो आई विल गाइड यू इन दैट, ओके डोंट वरी अबाउट, ओके। सो इससे क्या होगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इससे क्या होगा, और लास्ट में हम वीडियो मेकिंग सीखेंगे, ठीक है। सो नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला कि वीडियो का जो एंगेजमेंट रेट है वो है 5.49% आउट ऑफ 100,
ओके सो जितने ज्यादा वीडियोस हम बनाएंगे उतने ज्यादा हमें रीच मिलेगी। रीच रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे। ऑर्गेनिक वीडियो पोस्ट, जो पोस्ट हम ऐसे ही फेसबुक पे करते हैं ऑर्गेनिकली, ओके, जिसको हम एडवर्टाइज नहीं लगाते, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें हम एक रुपया नहीं लगाते, ऐसी पोस्ट जो हम वीडियो को करते हैं उसको 38% ज्यादा का एंगेजमेंट मिलता है देन इमेज। अगर आप कोई इमेज पोस्ट कर रहे हो फेसबुक पे या फिर कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो आपका जो वीडियो है उसको 38% ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा एज कंपेयर टू इमेज। सो नाउ टेल मी, इमेज ज्यादा पोस्ट करना अच्छा है या कंटेंट वीडियो पोस्ट करना अच्छा है? टाइप इन द चैट बॉक्स। नाउ हमें ये समझना जरूरी है कि हमें अपना कंटेंट कैसे बनाना पड़ेगा, राइट? कैसे बनाएंगे हम, ये हमें समझना है। आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ओके, पहले एक घंटे में, और बाद में फिर मैं आपको थोड़ा एडवांस लेकर जाऊंगा, ठीक है? सो बिकॉज ये समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक रास्ता पता चले कि हाँ मुझे कैसे जाना है। मैं डायरेक्टली अगर बताऊंगा आपको कि हाँ आपको यहाँ पे जाना है तो शायद आपको रास्ता समझेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रास्ता कैसे आपको अपना बनाना है और उस रास्ते से आपको कैसे आगे बढ़ना है, राइट? ओके, सो नाउ पीपल आर टाइपिंग वीडियो। वीडियो बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? सो नाउ हाउ यू विल प्लान योर कंटेंट। आप जो भी बिजनेस करते हो, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, व्हाट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, जो भी काम करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, उसमें आप वीडियोस कैसे बनाएंगे, उसमें आप कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, नाउ अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या फिर आपको लिखना है लिख सकते हो, वॉट एवर, ठीक है? सो नाउ प्लान यूअर कंटेंट एडवांस बिफोर वन मंथ। जो भी आपको देना है आपके ऑडियंस को, ठीक है, जो भी आपको देना है आपके ऑडियंस को, प्लान दैट कंटेंट। क्या करना है आपको, सिंपल, एक दिन बैठना है और सब कुछ लिखना है एक डायरी पे या एक यू नो पेपर और पेन लेकर बैठना और लिखना है कि मुझे क्या क्या देना है नेक्स्ट मंथ। ओके, यू हैव टू प्लान कि ये हफ्ते में मैं क्या दूंगा, अगले हफ्ते में मैं क्या दूंगा, नेक्स्ट हफ्ते में मैं क्या दूंगा। ओके, ये आपको प्लान करना है, ठीक है? मैं कुछ खुद के जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो अनुभव है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इन दिस क्लास, ओके, कि जो आपको हेल्प करेंगे कि आपके कंटेंट को कैसे बनाना है। ओके, पहली चीज है कि जो भी कंटेंट आपको बनाना है उसका वन मंथ बिफोर प्लानिंग कीजिए। जैसे कि अभी मार्च महीना आ रहा है तो मार्च महीने में आपको क्या कंटेंट देना है आपके ऑडियंस को, उसका प्लानिंग आपके पास अभी होना चाहिए, राइट नाउ। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगा, अपने मनोज सर है अपने साथ, उनका एग्जांपल लेते हैं अपन। ओके, सो मनोज सर इज डीलिंग विथ प्रिंटर रिपेयरिंग एंड सेल्स, आई थिंक। ओके, रिपेयरिंग और उसमें वो डील करते हैं। नाउ आपको ये बताना इम्पॉर्टेंट है, ये बताना जरूरी है कि कितने प्रकार के प्रिंटर्स मार्केट में आते हैं। इस पे आप एक वीडियो बना सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर इन द मार्केट। ओके, नाउ आपका क्या यूज है और आपने कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, राइट? आपका क्या यूज है और आपने कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, ठीक है? अगर आप इंडिविजुअल है, आप अगर अकेले है, घर में आप अकेले है और आप अकेले ही यूज करते हैं, तो आपको कौन सा प्रिंटर बेटर रहेगा और वो क्यों बेटर रहेगा, राइट? लाइक उसके क्या बेनिफिट्स है, खर्चा कितना आएगा आपको मंथली, उसका कितना खर्चा आ सकता है अप्रोक्सीमेटली, साल का अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ सकता है, उसका जो प्राइसिंग है वो क्या है, ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में क्या करना है, बताना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आप क्या बता सकते हो कि अगर प्रिंटर में कुछ छोटी मोटी तकनीकी खराबी आ जाती है, छोटी मोटी, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन जो प्रिंटर तो यूज करते हैं लेकिन थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो क्या करते हैं, तुरंत उसे रिपेयरिंग को लेकर जाते हैं। तो आप बता सकते हो कि क्या ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम है जो आ सकते हैं। बहुत सी बार सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम होता है कि वायर जो होती है उसको अगर हिलाएंगे आप तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं करते लोग। ओके, सो नाउ यू कैन मेक कॉन्टेंट अकॉर्डिंग टू दैट कि पहले हफ्ते में मैं प्रिंटर का जो यू नो बेसिक थिंग है वो बताऊंगा मेरे वीडियोस के द्वारा लोगों को, दूसरे हफ्ते में मैं प्रिंटर का क्या यूजेस है, ओके, क्या यूजेस है, किसको क्या यूजेस हो सकते हैं वो बताऊंगा, तीसरे हफ्ते में मैं बताऊंगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कैसे कैसे प्रिंटर मार्केट
में अवेलेबल है वो मैं बताऊंगा। चौथे हफ्ते में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप एक कंपनी है, अगर आपके घर में यूज करने वाले 3-4 लोग हैं, तो वो मैं बताऊंगा। तो ये हो गया आपका कंटेंट प्लानिंग, अंडरस्टूड, ये हो गया आपका कंटेंट प्लानिंग। नाउ अगर आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है, ओके, फॉर एग्जांपल समझते हैं इस चीज को, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग में आप किस कंपनी में है, उस कंपनी के क्या प्रोडक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली वो आपको पता होगा कि आप किस कंपनी में है और आप उसके क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको समझना है जरूरी है, सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको जानता नहीं हूं और मुझे आपका प्रोडक्ट लेना है, तो मैं क्या देखूंगा कि कंपनी का बेस क्या है, ओके, मैं क्या देखूंगा कि कंपनी का बेस क्या है। मैं अननोन हूं पूरा आपके लिए, मैं आपको जानता नहीं हूं, ठीक है, और आप मुझे जानते नहीं हो, और मुझे अगर आपका प्रोडक्ट लेना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि आपके कंपनी का बेस क्या है। सो नाउ जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग, अभी कम लोग है इसलिए मैं हर एक का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना, हर एक को मैं अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कम लोग है इसलिए, ओके, यही फायदा होता है कम लोगों में पढ़ने का, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस कि सबसे पहले जो भी बंदा आपका प्रोग्राम लेने वाला है, सॉरी, जो भी बंदा आपका प्रोडक्ट लेने वाला है, वो ये देखेगा कि आपकी कंपनी का वैल्यू क्या है मार्केट में, ओके, आपके हु इज भारती पावर, ओके, लेट इट बी। सो वो ये देखेगा कि आपके कंपनी का वैल्यू क्या है। सो सबसे पहले मार्च महीने का जब आप कंटेंट बना रहे हो, सो पहले वीक में आपको सिर्फ कंपनी के वीडियोस बनाना है कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई, इसका बेस क्या है, कितने प्रोडक्ट्स है, कितने लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, ओके, कितने लोगों को अच्छा इसका रिजल्ट मिला है, फर्स्ट वीक। नाउ द सेकंड वीक, सुनील कुमार जी आपके लिए भी ये काम की चीज है, हाँ, नाउ द सेकंड वीक आप क्या करेंगे कि कंपनी का जो, जिसको ये कंपनी में आना है या जिसको इस कंपनी का पार्ट बनना है, हिस्सा बनना है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या फीस है, कैसे आप उस कंपनी में आ सकते हो, आपको कितना कमीशन मिलेगा, आपको कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, उन लोगों के नाम, उन लोगों के फोटोज, ये सारी चीजें आपको दूसरे वीक में उनको देनी है वीडियोस के माध्यम से। आप एक वीडियो बनाइए, दो बनाइए, तीन बनाइए, चार बनाइए, वो आपका आपका डिसीजन है, मैं आगे बताता हूँ वो आपको, ठीक है, कैसे करना है आपको। नाउ द थर्ड वीक फॉर नेटवर्क मार्केटिंग पीपल ओनली, ओके, सो थर्ड वीक में आप क्या करेंगे कि इस कंपनी में ज्वाइन होने के बाद ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपना करियर स्टार्ट किया, या फिर जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा, या जिन्होंने अच्छी अर्निंग की, उनके बारे में आप वीडियोस बनाएंगे और उनके बारे में आप वीडियोस डालेंगे। फोर्थ वीक में क्या करेंगे आप कि आप कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो एक एक प्रोडक्ट को आप बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्यों अच्छा है। नाउ आप ये चीज समझिए ध्यान से, यस सुनील जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। नाउ आप एक चीज ध्यान से समझिए, बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर, एक बंदा है जिससे कल ही मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे ये बोला कि मुझे फूड ब्लॉगिंग करनी है, फूड ब्लॉगिंग, ओके, तो मैंने कहा कीजिए आप, अच्छी चीज है, पुणे के अंदर जहाँ पे अच्छा फूड मिलता है उसका मैं वीडियोस बना के डालूंगा, ऐसा बोला। मैं बोला अच्छी चीज है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, बोला आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरे ही सेकंड उसने मुझे ये बोला, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए आप नहीं करेंगे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। तो बहुत सारे लोग तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, फिर आप जो कर रहे हैं वो भी मत करो, राइट, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। देखो एवरी वन इज डिफरेंट, सेम कंटेंट भी अगर आप ला रहे हो मार्केट में, जो मैं सिखा रहा हूं वीडियो मेकिंग, राइट, सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर टीचिंग वीडियो मेकिंग, बट एवरी वन इज टीचिंग इन डिफरेंट वे। So, आपके पास आपका एक यूनिक तरीका होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ओके, आप अपने यूनिक तरीके को लोगों के सामने लेकर जाओ, पीपल विल लाइक यू, पीपल विल लव यू, ओके।
अंडरस्टूड। सो दो लोगों का मैंने बताया, देखो मैंने बताया सबसे पहले कि प्रिंटर का आप कंटेंट कैसे बताएंगे, मनोज जी के लिए बताया। दूसरा मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि आप कैसे कंटेंट क्रिएट करेंगे। ओके, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं नए, जैसे कि रसिका है और दीप्ति जी है अभी ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। देखो हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से आप अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट का प्लानिंग करोगे। ओके, किस तरह से आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए कंटेंट का प्लानिंग करोगे, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं तब तक वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करोगे तब तक वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। ठीक है, जो पहला वाला पार्ट है वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने उसमें कवर की है। ओके, और मैं चाहूंगा सबको ये बताना कि आप ऑन दी टाइम ज्वाइन कीजिए एवरी सिंगल डे, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग टोटली न्यू कॉन्टेंट इन दिस प्रोग्राम। सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग ऑन दी टाइम, बिकॉज इफ यू मिस्ड सम कॉन्टेंट देन बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बाद। ठीक है, नाउ सो लेट्स मूव अहेड कि आपको अपना कॉन्टेंट कैसे प्लान करना है सोशल मीडिया का, और ये क्यों करना है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, सो ये जो एक घंटा है पहला, एक से डेढ़ घंटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लानिंग ऑफ यूर कॉन्टेंट। ओके, सो अभी आपको पहली चीज मैंने बोला कि आपको जो अपना कॉन्टेंट है वो एक महीने पहले प्लान करना है, कि मुझे अभी ये फरवरी चल रहा है, मार्च में मुझे क्या देना है लोगों को। ठीक है, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो कंटेंट आप दे रहे हो लोगों को, ये फ्री कंटेंट है। इसमें आप ना कुछ बेच रहे हो, इसमें ना कुछ आप बता रहे हो, यू आर जस्ट मेकिंग योर अथॉरिटी इन द मार्केट। ओके, अथॉरिटी मतलब क्या, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं फिर से आपको। यहाँ पे आपने एक शॉप शुरू की, शॉप, ओके, और उस शॉप में आप केक बेचते हो। क्या बेचते हो? केक बेचते हो, केक, केक पता है सबको, केक बेचते हैं। ठीक है, आपने एक शॉप शुरू की, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में आपने शॉप शुरू की, पुणे में रहते हो, पुणे में आपने शॉप शुरू की। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, कैन एनीबडी टाइप इन चैट बॉक्स, क्या करोगे आप सबसे पहला काम, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, आप क्या करोगे, आप लोगों को बताओगे, राइट? हाँ, ओपनिंग वगैरह तो करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप क्या करोगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को बताएंगे ना आप कि हमने शॉप शुरू की है, राइट? हमने नया शॉप खोला है, नया शॉप खोला है, आप लोगों को बताएंगे, यस नो, राइट? एडवर्टाइज करेंगे, एडवर्टाइज का पहले भी आप क्या करेंगे, माउथ पब्लिसिटी करेंगे। आप लोगों को बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, आजू बाजू वाले जो आपके यू नो सोशल मीडिया पे जो है, हाँ, उनको बताएंगे आप, राइट? अब मुझे एक चीज बताइए, आप अभी जो बिजनेस कर रहे हैं क्या आप वो लोगों को बता रहे हैं विद योर सोशल मीडिया, यस नो? क्या आप बता रहे हो? अगर बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता रहे हो तो बताना शुरू करो कि मैं ये काम कर रहा हूं। देखो एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम काम कर रहे हैं ना, हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, अच्छा काम करके ही कमा रहे। सो उसमें यू नो शर्माने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। जो भी आप कर रहे हो, पहली चीज ये करो कि सोशल मीडिया पे वो बताना शुरू करो कि आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। ओके, इफ यू नीड माई हेल्प, इफ यू नीड यू नो इफ यू नीड हेल्प इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आई एम देयर टू हेल्प यू। सबसे पहले चीज क्या करना है, हमें लोगों को बताना शुरू करना है। सो उसी को हम बोलते हैं फ्री कंटेंट मेकिंग। तो उसमें सिर्फ बता के नहीं होगा, हमें कुछ देना पड़ेगा उनको फ्री में, राइट? क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें उनको फ्री में देना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास आए, हमारे प्रोडक्ट को देखे, एक्सपीरियंस करे, हमें एक्सपीरियंस करे, राइट? सो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ फ्री में देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम अगर फ्री में ही सब कुछ दे देंगे तो फिर हम कोर्स में क्या बेचेंगे, अगर किसी का कोर्स है तो। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जिनका प्रोडक्ट है उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप क्या कीजिए। देखो एक 12-13 साल पहले की बात है, यू नो एक शैम्पू आया करता था, सनसिल्क, सनसिल्क ही शायद उसका नाम था, आई डोंट नो,